गाइस, मेरा नाम है रयान। मेरे पास बहुत सारी बुगाटी आरसी कार है, पर आज एक ऐसी बुगाटी आरसी कार मैं खरीद के लेके आ चुका हूँ, शायद ही आप लोगों ने कहीं पर देखी होगी। इसको मैंने कल ही खरीदा है। इसका नाम है बुगाटी वेरॉन 16.4 ग्रैंड स्पोर्ट वेटीसी। पूरी तरीके से ऑफिशियल लाइसेंसड कार है। आज मैं इसकी फाइट करूंगा लैम्बोर्गिनी सियान FKP 37 के साथ, और लैम्बोर्गिनी हुराकन है और पगानी हायुरा आरसी कार। चलो गाइस, फटाफट से करते हैं इन सभी की अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखेंगे आज कौन सी कार जीती। Let's start. ये कार दो अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है, ऑरेंज एंड ब्लैक। मेरे को ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको पूछने वाला हूँ, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। लो, बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। गाइज, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। पे एक चीज दी गई है, शायद ये इसकी यूजर गाइड वगैरह है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी गई है, इस कार को किस तरह से चलाना है। सबसे पहले मैं आपको रिमोट कंट्रोल ही दिखा देता हूं। यहां पे बुगाटी का लोगो दिया गया है, RSR, यहां पे RSR के जैसे रिमोट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह का रिमोट ये भी है। अभी हमारी कार को निकालते हैं। अच्छा, नीचे की तरफ बहुत अच्छे तरीके से कार को फिट कर रखा है। अगर आप ये बुगाटी वेरॉन वेटीसी को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोटेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ब्राउज प्रोटेक्ट पर क्लिक करना है। ये कार वहां से जाकर आप खरीद सकते हो। कलर इसका बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, प्रीमियम कलर किया गया है। जैसे ही इसको मैं आउटडोर में चलाऊंगा, उसका कलर और भी ज्यादा जबरदस्त दिखाई देने वाला है। बिल्कुल लगा था कि ये डोर्स ओपन होंगे, पर देखो गाइस, डोर्स इसके बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी डिटेलिंग दी गई है सीट्स के ऊपर। स्टीयरिंग भी देखो यार, कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई रियल स्टीयरिंग इसके अंदर लगा रखा है। सामने के व्हील्स, पीछे के व्हील्स कंप्लीटली रबर के बनाए गए, और इन दोनों व्हील्स के बीच में थोड़ा सा साइज का भी फर्क है। ये 1 इंच के है, ये 1.5 इंच की चौड़ाई में दिए गए। यहाँ पे बुगाटी का लोगो है। इस तरह की ग्रिल यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखो यार इस तरह का पैटर्न भी दिया गया। इसके अंदर एक और बेकार चीज मेरे को लगती है, वो इसका बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को AA बैटरीज डालनी पड़ती है। देखो, कोई भी रिचार्जेबल बैटरी इसके साथ नहीं दी गई। आज यार सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फटाफट से यहाँ से मैं इसको भी अनबॉक्स कर देता हूँ। अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है अमेज़न का। तो यहाँ से निकाल लेते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को। जैसे मैं आपको बोल रहा था, कलर बहुत ज्यादा अलग है, जैसे कि देख सकते हो ये थोड़ी सी येलो टाइप दिखाई देती है, पर ये देखो यार दोनों ही ऑरेंज है। अगर आप इन दोनों को इंडोर में देखोगे तो कैमरा के अंदर उतना कलर आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा। अगर आप इसको रियल में देखोगे ना गाइस, तो आप खुद पहचान जाओगे कि ये कंप्लीटली डार्क ऑरेंज है। ये थोड़ा ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सचर दिया गया है। इसका भी लुक देखो यार, कितना ज्यादा डिफरेंट है। सामने की हेडलाइट्स इसकी लेजर दी गई है, सामने की तरफ से बहुत ज्यादा शार्प डिजाइन दिखता है। व्हील्स के अंदर जो कलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। नीचे की तरफ पूरा फ्लैट है, यहाँ पे सिंगल मोटर मिलती है। इसके जो डोर्स है हम लोग ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी भी जो सीट्स है बहुत ज्यादा लग्जूरियस दिखाई दे रही है। पीछे की टेल लाइट देखो यार, 3 टेल लाइट्स यहाँ पे, 3 टेल लाइट्स इस तरफ दी गई है। लैम्बोर्गिनी सियान बोल के यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है। तो ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, बिल्कुल स्टीयरिंग जैसा डिजाइन है इसका। पीछे की तरफ 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरे पास एक और सुपर कार है, ये ऑफिशियल लाइसेंसड नहीं है। ये दोनों कार जो मैंने आपको बताई है ये ऑफिशियल लाइसेंसड है। फटाफट से इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये कार मैंने इसीलिए खरीदी थी क्योंकि ये कम्प्लीटली मेटल के बिल्ड में आ जाती है, और दिखने में भी बहुत ज्यादा रियल कार जैसी दिखाई देती है। और ये कम्प्लीटली एरोडायनामिकली डिजाइन की गई, अंदर की तरफ सीट्स वगैरह आप देख सकते हो। बाकी ऊपर की जो बॉडी है इसकी बहुत ज्यादा मजबूत प्लास्टिक से बनाई गई है। इसका बैटरी कंपार्टमेंट यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। इसके साथ हम लोगों को रिचार्जेबल बैटरीज मिलती है, ये एक चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा सही लगी थी। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का, पर देखो गाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज का नहीं है, इसके साथ सिर्फ 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट मिलता है। तो गाइस ये है एक पगानी आरसी कार। बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर भी पगानी या फिर इसका नाम कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये भी ऑफिशियल लाइसेंसड कार है नहीं। पर इसका साइज देखो बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा रियल कार जैसी ही दिखाई देती है। यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। देखो गाइस इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इसकी सबसे कमाल की चीज मेरे को लगती है इसका बोनट के ऊपर डिजाइन। वो ब्लैक कलर और येलो कलर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे हायुरा बोल के लिखा है। जैसे रिमोट के अंदर हम एक बटन दबाते हैं तो इसके डोर ऑटोमेटिक तरीके से इस तरह से ओपन हो जाते हैं। अंदर की सीट्स वगैरह भी बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे दिखाई दे रही है। व्हील्स देखो बहुत अच्छी क्वालिटी के, जैसे कि ऑफिशियल लाइसेंस आरसी कार में व्हील्स दिए जाते हैं, इसके अंदर भी उसी तरह के व्हील्स हैं। फिर रिमोट भी दिखा देता हूँ, रिमोट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। रिमोट का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा, दिखने में रियल स्टीयरिंग जैसी ही दिखाई दे रही है, पर इसके अंदर जायरो सेंसर नहीं दिया गया है। इसके अंदर दी गई है इसकी बैटरी और चार्जर। सभी आरसी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पगानी हायुरा लैम्बोर्गिनी सियान से भी ज्यादा बड़े साइज की होगी। देखो गाइस कितनी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। दोस्तों भी चलते हैं बाहर, फटाफट से करते हैं इन सभी के बीच में टेस्ट, गो एंड फाइट।
तो मैं आ चुका हूँ बाहर, सभी कार्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, एक से बढ़कर एक दिखाई दे रही है सभी की सभी आरसी कार। सबसे पहले टेस्ट करते हैं बुगाटी वेरॉन VTC को, ये कार ऑफिशियल लाइसेंस है, फिर भी देखा इसके अंदर से थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है। अभी ब्रेक लगा के देखते हैं, वाओ यार ब्रेक्स तो इसके बहुत परफेक्टली दिए गए, कार बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल भी हो जाती है। अभी टेस्ट करते हैं लैम्बोर्गिनी सियान को, ये कार और बुगाटी वेरॉन VTC बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से चल रहे हैं, इसकी भी कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है। अभी टेस्ट करते हैं पगानी हायूरा आरसी कार को, इसका रिमोट भी मैंने चेंज कर दिया है, कार बहुत सही दिख रही है यार आउटडोर में, तो चलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इसके भी ब्रेक्स बहुत सही तरीके से लग रहे हैं। अभी टेस्ट करते हैं लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को, इसका रिमोट मेरे को बिल्कुल सही लगा यार, कार बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रही है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कार इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल होगी। ऑफिशियल लाइसेंसड आरसी कार को ये बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे रही है कंट्रोलिंग के मामले में। रेस कराते हैं ये दोनों सुपर आरसी कार्स के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार यहाँ पे जीत पाती है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला चल रहा था, बुगाटी वेरॉन VTC आगे निकल गई यार, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा गाइस जिसने लैम्बोर्गिनी सियान को पीछे छोड़ दिया, कुछ तो अलग बात है गाइस ये बुगाटी आरसी कार के अंदर, वरना लैम्बोर्गिनी सियान आसानी से हार नहीं मानती है, क्लियरली रेस को जीत चुकी है बुगाटी वेरॉन VTC। अभी बुगाटी की रेस कराते हैं लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के साथ, देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर आगे निकल गई थी, पर बुगाटी की स्पीड थोड़ा सा धीरे धीरे से बढ़ने लगती है। वापस से देखो इस बुगाटी वेरॉन VTC बहुत ज्यादा आगे निकल गई है, क्लियरली इस रेस को भी जीत चुकी है बुगाटी वेरॉन। अभी देखते हैं बुगाटी वेरॉन पगानी हायूरा को भी रेस में हरा पाती है, यानी वापस से देखो धीरे धीरे से इसकी स्पीड बढ़ चुकी है और ये आगे निकल गई है। यहाँ पे पगानी के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, यहाँ पे पगानी हायूरा पूरी कोशिश कर रही है बुगाटी को टेक ओवर करने के लिए, इसके पास तक भी पहुंच गई थी, पर बुगाटी वेरॉन इससे भी ज्यादा फास्ट क्लियरली जीत चुकी है रेस को। इसने तो यार तीनों की तीनों सुपर आरसी कार्स को हरा के रख दिया है यहाँ पर। अभी आमने सामने वाली फाइट कराते हैं ये दोनों कार्स के बीच में, बुगाटी वेरॉन ने क्या ही टक्कर मारी है गाइस, देखो लैम्बोर्गिनी हुराकन इतनी दूर उछल के आ चुकी है, यहाँ पर लैम्बोर्गिनी हुराकन इसके सामने टिकने वाली नहीं है ऐसा मेरे को लग रहा है। देखो गाइस पूरी ताकत लगाकर बुगाटी इसको पीछे ढकेल रही है, यहाँ पे लैम्बोर्गिनी हुराकन ने ब्रेक्स भी लगाने की कोशिश की पर इसके ब्रेक्स भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है, टक्कर बराबर की हुई है दोनों के बीच में। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी सियान बहुत ज्यादा पावरफुल मेरे को लग रही है, देखो ये धीरे धीरे करके बुगाटी को पीछे ढकले जा रही है और यहाँ पर बुगाटी कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्लियरली यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान बहुत ज्यादा पावरफुल है बुगाटी के मुकाबले में। अभी देखते हैं लैम्बोर्गिनी सियान पगानी हायूरा को टग ऑफ वॉर में हरा पाती है, यानी दोनों कार्स यहाँ पर एक जगह पर ही रुके हुए हैं, पगानी हायूरा पूरी कोशिश कर रही है पर इसके व्हील्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से देखो इस लैम्बोर्गिनी सियान ने इसको खींचना चालू कर दिया है और इसको ये बहुत खतरनाक तरीके से घसीट के लेके जा रही है। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी सियान जीत चुकी है टग ऑफ वॉर में भी। ये सभी आरसी कार्स को मैं भी ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, इन सभी के बीच में भी रेस कराते हैं, देखते हैं ऑफ रोड में कौन सी कार बहुत बढ़िया तरीके से चल पाती है। पहले बुगाटी और हुराकन के बीच में रेस करा रहा हूँ मैं, लैम्बोर्गिनी हुराकन देखो गाइस किस तरह से जंप मारकर चल रही है क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन नहीं है और ये फंस भी चुकी है। अभी तक बुगाटी बहुत सही तरीके से चल रही है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑफ रोड में इतनी बढ़िया तरीके से चलेगी। अभी रेस कराते हैं पगानी और सियान के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। पगानी हायूरा तो रुक गई यार, लैम्बोर्गिनी सियान अभी भी बढ़िया तरीके से चल रही है, इसकी स्पीड बिल्कुल सही लग रही थी यार, मेरे को लगा था कि ये बुगाटी को भी क्रॉस कर देगी पर देखो बुगाटी से पहले ही ये रुक चुकी है मिट्टी में। लाइट टेस्ट करके देखते हैं पगानी हायूरा के अंदर हेडलाइट दी गई है और काफी ज्यादा सही मेरे को लग रही है, बुगाटी के अंदर भी हेडलाइट है, सबसे ज्यादा पावरफुल लाइट मेरे को लैम्बोर्गिनी हुराकन की लग रही है गाइस। ये सभी आरसी कार्स के बीच में अभी एकदम फाइनल टेस्ट में करने वाला हूँ, यहाँ पर रेंज टेस्ट करेंगे, देखते हैं गाइस कौन सी कार कितनी दूर तक जा पाती है। अभी तक तो दोनों कार्स बहुत परफेक्ट तरीके से चल रही थी, पगानी हायूरा रुक चुकी है और लैम्बोर्गिनी सियान भी यहाँ पर रुक चुकी है। अभी भी देखो यार बुगाटी वेरॉन VTC बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, इसके रिमोट के अंदर कुछ तो अलग दिया गया है इस वजह से यहाँ पर यह जीत चुकी है। माय डियर दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन चारों सुपर स्पोर्ट्स आरसी कार्स में से कौन सी कार पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट, पहला नाम है मोनिश, हसन, दर्पित, यश, जिनेश, रियांश, रॉबिन, अभिषेक, रुशिल, तजीम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।